अगर मोशन इनकम्प्रेसिबल होगा, यह वेक्टर सॉलिनॉइडल वेक्टर फील्ड बनाएगा, तो उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे डाइवर्जेंस। क्या फाइंड आउट करेंगे? डाइवर्जेंस यानी डाइव एफ ये फाइंड आउट करना होगा, और डाइव एफ का मान आएगा जीरो। अगर डाइव लिखा हुआ है तो इसका मतलब नेबुला डॉट वेक्टर बी डा से डॉट डा से डाइव बना देगा। और अगर कर्ल लिखा हुआ है, इसमें आर आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? कर्ल निकालेंगे, कर्ल एफ निकालेंगे, और कर्ल एफ आएगा आपका जीरो। और कर्ल एफ कैसे निकालेंगे? नेबुला क्रॉस एफ निकालेंगे, ये जीरो निकल कर आएगा। तो अगर कहीं आपसे कहा जाएगा रोटेशनल निकालना है, तो कर्ल एफ जीरो निकल कर आएगा। और अगर सॉलिनॉइडल इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है, तो इसके लिए हम लोग डाइवर्जेंस एफ निकालेंगे। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर मेंशन करनी चाहिए, जो बार बार भूल जाते हो। कर्ल है, कर्ल में आर आ रहा है, और इरिटेशनल में भी आर आ रहा है, इसलिए दोनों कॉमन है। डाइवर्जेंस में डी आ रहा है, और सॉलिनॉइडल में भी डी आ रहा है, तो इसलिए अगर सॉलिनॉइडल कहेगा डल, तो इसका मतलब डाइव निकालना है। डाइव मतलब डॉट, कर्ल मतलब क्रॉस।